देखिए, कुछ आदतें होती हैं वो पैदाइशी होती हैं और उनको बदलना नहीं चाहिए। ये शत्रु शुरू से ही ऐसे ही थे। यहाँ ताजमहल, ये ताज होटल के बगल में ही एक जगह है जहाँ पर इनका एक अपार्टमेंट था और वहीं पर हम लोग सब मिला करते थे। और उस ज़माने से भी जब ना हमारे पास काम था, इनके पास तो काम था, ये बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन तब भी ये कहीं भी जाना हो तो वक्त का इनके पाबंदी नहीं होती थी। अच्छा कई बार ऐसा अवसर होता था कि हम लोग कहें कि चलिए आज चल के कोई एक पिक्चर देख लेते हैं जी। हाँ हाँ चलो चलते हैं, और समय है 6 बजे का और 6:30 बजे तक ये भाई साहब अपने घर से निकले ही नहीं हैं। और उनको जब भी कुछ कहो तो चल रहे हैं यार चलो। आधा घंटा 45 मिनट किसी भी सिनेमा घर में लेट पहुंचना, उनके साथ साथ हमको भी भोगना पड़ता था कि फ्लाइट पकड़नी हो कोई तो एयरपोर्ट पे ये जितने भी कर्मचारी हैं दौड़े दौड़े आएंगे, सर वो फ्लाइट जाने वाली है, आप करें आते हैं बोल के अपना खड़े रहते थे। और आज तक ऐसा ही है, आज तक वही जारी। आई एम सो ग्लैड कि ये एक क्वालिटी उनकी मुझ में नहीं आई। मैं हमेशा टाइम पे पहुंचती हूं। भारती जी कह रही थी कि ये आप दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं, तो सही कहा आपने, जब हमारे जाने का समय होता था तो उनके आने का समय होता। लेकिन अच्छी बात ये थी कि काम खत्म करके जाते थे चाहे कुछ भी हो। और कई बार ऐसा होता था, मुझे बड़ा ताज्जुब होता था, हम लोग एक साथ 2 फिल्मों में काम कर रहे थे जी। एक शान और एक नसीब जी। और उस जमाने में जितने भी कलाकार थे सब 2-2, 3-3 शिफ्ट एक ही दिन में करते थे अलग अलग फिल्मों में जी। तो 7 बजे से सुबह प्रातःकाल से 2 बजे दोपहर तक शान की शूटिंग होती थी जी। फिल्म सिटी में, और 2 बजे से 10 बजे रात तक नसीब की शूटिंग होती थी चांदीवली स्टूडियो जी। तो हम लोग दोनों नसीब के भी क्लाइमैक्स में थे, इसमें भी थे, साथ साथ काम कर रहे थे। 7 बजे से 2 बजे तक काम हो, 2 बजे हम लोग की छुट्टी हो जाती थी, मैं गाड़ी में बैठता था और चांदीवली की ओर जाते थे, ये भी साथ में गाड़ी में बैठ करके चांदीवली की ओर चलते थे। लेकिन पहुंचता मैं था वहाँ कोई 2:30 बजे और ये कोई 6-7 बजे पहुँचते थे। जाना एक ही जगह है, ये कहाँ चले जाते थे बीच में, ये मैं आपसे आज जानना चाहूंगा। अब तो बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। The nation wants to know. अब बता के क्या फायदा, ना वो रातें ना बातें ना जज्बात ना जमाने ना नदी के किनारा ना झुरमुट की ओट ना पंछियों का चहचहाना ना कौओं का भौंकना, अब कहाँ। Wherever he was, the attention he would draw to himself. So we worked in a film called Bombay to Goa. And there was a scene between Aruna Irani ji and me by the side of a swimming pool. I can't remember the location. And we had already finished the dialogue with Shatru, and he was asked to walk away. So he walked away some distance at the back. And then Aruna ji and me were doing our scene right in front of the camera. And in the middle of our dialogue, suddenly one smoke ring comes floating in between our faces. ये भाई साहब वहाँ सिगरेट पी रहे थे, वहाँ से ये स्मोक रिंग छोड़ रहे थे ताकि जितना ध्यान है वो अरुणा जी और अमिताभ पे ना हो, उन पे जाए। बढ़िया, एक बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी है जी जी।